And then turn right. दोस्तों ये गांव का स्कूल भी है तो आ, जिस गांव में हमारे राणा साहब ने ये जो तो मकान लिया है फार्म हाउस ये उस गांव का स्कूल है तो ये भी एक जानकारी हमारे इंफॉर्मेशन में ऐड होती है और दोस्तों ये जो स्टोर है ये इस गांव का स्टोर है जहां पे आप जो दिल्ली की जो शॉपिंग है वो यहां पे कर सकते हैं तो ये भी एक नजारा है जो आपको दिखा दूं मैं मैंने सोचा था क्योंकि आपको पता हो कि अगर वो आज रान यहां से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे ये पूरा जो स्टोर है वो ये बना हुआ है स्टोर में सभी सामान है जो यहां मिल रहे हैं ये गांव का स्टोर हो गया यहाँ पे ऑयल से लेके यहाँ पे राइस यहाँ पे जूस यहाँ पे फ्रूट्स और डेली जो सामान है दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हम आज हैं राणा साहब की प्रॉपर्टी में जो उनका गांव का मकान है वन ऑफ द हाउस उसको देखने के लिए आए हुए हैं तो मैं आपको अपने नजारे से दिखाता हूँ अपने कैमरे की के निगाहों से कि गांव का मकान कैसा होता है आप ये देखिए ये जो प्रॉपर्टी है है ना ये जो जगह है जो तकरीबन बीस हजार स्क्वायर फीट के आसपास है या उससे थोड़ी ज़्यादा है ये जो जगह है ये राना साहब के ये राना साहब हैं इधर इस तरफ खेत हैं और इस तरफ ये लेक है जो आगे बहुत आगे तक गई हुई है और आप ये देखिए कि आ, ये जो है ये गांव है है ना इस तरफ ये देखिएगा ये इस तरफ गांव है और ये देखिए इस तरफ ये राना साहब के पड़ोसी हैं अभी तो बर्फ़ है तो बर्फ़ जमी हुई है और इस तरफ आप देखेंगे तो आपको सभी देखिए आप इस तरफ जाएंगे तो आप देखिए पूरा एक गांव आपको देखने को मिलेगा इस तरफ लेक देखने को मिलेगी और ये जो प्रॉपर्टी है इधर ये मुर्गियों और ये सब रखने की जगह है जानवरों को पालने की जगह है और ये विलेज का मकान है ये राणा साहब है और ये पक्की सड़क है और पक्की सड़क के बाद में इस तरफ खेत हैं और इस तरफ रोड दूसरे शहर की तरफ जाता है और ये जो पूरी जगह है मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा जो मकान है हम ये आप देखिए यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है ये पक्की सड़क है और यहाँ से शुरू होता है आप देखिएगा यहाँ से इसको घुसने का जो एंट्रेंस है इस मकान में वो शुरू हो रहा है ये जो सबसे पहले जो दिख रहा है एक तहखाना सा है जो यहाँ पे जब ये लोग आलू का प्रोडक्शन करते थे तो तहखाने में यहाँ पे अंदर रखते थे तो ये स्टोरेज है ये पोटेटो स्टोरेज है बेसिकली और ये जो आप देख रहे हैं ये कुआं है और यहाँ पे कुएं से पानी जो है लेने के लिए बनाया गया हुआ है इधर ये ग्रीन हाउस है और ये पूरी जो बगल की ज़मीन है ये जो एप्पल के पेड़ दिख रहे हैं काफ़ी सारे अभी तो, तो क्योंकि ठंड का मौसम है इसलिए नहीं दिख रहे हैं तो ये सभी एप्पल के पेड़ वगैरह हैं ये सब कुछ उनकी प्रॉपर्टी के अंदर में आते हैं और हम अब मकान के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं ये हम अंदर आए और आते ही ये एक स्टोरेज सा है जहाँ पे सबसे बड़ी बात है आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे चालू है और ये स्टोरेज है जो सामान रखने के लिए और ये जगह होती है यहाँ पे कपड़े टांगे जाते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे घुस रहे हैं ये पहली लॉबी हो गई जहाँ पे फिर आप अपने कोट और ये सब चीज़ें यहाँ पे टांग करके रखते हैं उसके बाद है ना ये भी वार्ड सा है इसके अंदर आप कुछ सामान रख सकते हैं उसके बाद आप यहाँ अंदर घुसते हैं और अंदर घुसते ही ये एक आपको ड्राइंग रूम देखने को मिलता है ये गांव का मकान है पर गांव का ड्राइंग रूम है और ये यहाँ पे उन्होंने जो भी कोई महाशय रहते थे उन्होंने अपनी किताबें वताबें सब रख रही हैं बिजली जो है वो चालू है ये टीवी रखी हुई है ये सोफा है और ये ड्रेसिंग टेबल है हेलो तो ये हो गया आपका पहला ड्राइंग रूम ये ड्राइंग रूम का व्यू आपको मिल गया इसके बाद आप ये जरूर याद देखिए ये जो हीटिंग सिस्टम है ये पुराना यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीट, हीटिंग सिस्टम भी लगा सकते हैं और ये हीटर जो है ये लकड़ी से चलता है ये पुराने जमाने से उसके बाद ये जो रूम है ये रूम होता है बेडरूम मैंने जस्ट अभी लाइट जला ली ये है बेडरूम यहाँ पे सोने के लिए दो बिस्तर लगे हुए हैं और ये पुराना एक वार्ड रखा हुआ है है ना जिसके अंदर में जो भी रहने वाले व्यक्ति हों वो अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे कपड़े टांगने के लिए वहां पे प्रेस भी रखी हुई है पुराने मकान मालिक ने प्रेस भी छोड़ रखी है ये हीटिंग सिस्टम ये वुड से चलता है और ये चलाना मेरे ख्याल से बेहतर रहता है हालांकि हम चाहें तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम भी रख सकते हैं इलेक्ट्रिक कन्वेक्टर्स रख सकते हैं ये भी एक स्टोरेज है और ये रहा इसका जो बेडरूम और ये रहा उसका ड्राइंग रूम उसके बाद यह जो कमरा है ये कमरा होता है किचन किचन के लिए ये बैठ के खाने की डाइनिंग टेबल है जहाँ खिड़की से देखा जा सकता है और यहाँ पे गैस सिलेंडर यहाँ पे गैस की पाइपलाइन नहीं है मगर लकीली पिछले मकान मालिक ने यहाँ पे गैस सिलेंडर छोड़ रखा हुआ है और ये गैस का बर्नर है फोर बर्नर वाला चूल्हा लगा हुआ है यहाँ पे तो ये रखा हुआ है और ये इसका वॉश बेसिन है पर आप याद देखिए यहाँ पे सेंट्रल वाटर कनेक्शन नहीं है यहाँ पे पानी डाला जाता है और यहाँ पे फिर से ये पुराना रशियन सिस्टम है इससे हाथ धोया जाता है तो ये वॉश बेसिन है किचन के बगल में और यहाँ बैठ के खाना खाया जाता है इसके अलावा ये चूल्हा जो है ये लकड़ी से चलने वाला भी है इसे लकड़ी से भी चलाया जा सकता है तो ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है और ये शीशा है किचन में और ये किचन से जो दरवाजा है वापस बाहर की तरफ जाता है ये भी एक स्टोरेज है आके अपने कोट्स वगैरह टांगने के लिए हम वापस बाहर की तरफ जा रहे हैं और हम अब बाहर निकल रहे हैं अब इसके अलावा क्या है ये कुआं है मैंने बताया उस तरफ गार्डन है वहां पे ग्रीन हाउस लिखा हुआ है और यहाँ पे अंगूर की बेले हैं ये अंगूर की जो बेले हैं और ये एप्पल के पेड़ हैं वो अलग हैं और अभी तो सब कुछ आपको ये पीला पीला इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो ठंड का मौसम है सभी पत्ते झड़ चुके हैं पर यहाँ पे अंगूर होती है इसके अलावा अब यहाँ आएंगे तो ये क्योंकि फार्म हाउस जैसा है तो यहाँ पे कोई जानवरों का पालन करने की जगह है यहाँ पर कुछ चीज़ें स्टोरेज करने की जगह है है ना हमारे राणा साहब आदरणी वीडियो बना रहे हैं वो जो रूम है मेरे ख्याल से मुर्गियाँ वगैरह पालन करने के लिए है है ना आउटसाइड टॉयलेट है ये ज़रूर याद देखिएगा हाँ। कि टॉयलेट जो है वो अंदर में नहीं है आउटसाइड है जो पुराने जमाने हमारे गाँव में होता था तो आउटसाइड टॉयलेट है यहाँ पे राइट और ये सब लकड़ियाँ रखने की जगह है और आप इधर आए तो ये जो कमरा सा बना हुआ है ये किस लिए है ये देखते हैं चलिए खोल के देखते हैं ये जो कमरा सा है ना भाइयों ये है आ, मुझे इस कमरे को देख के पुरानी इंग्लिश मूवीज़ की याद आती है यहाँ पे लकड़ियाँ रखी गई हैं पहले जब ज़माने में हीटिंग जो होती थी वो वुड से चलती थी तो ये लकड़ियाँ रखने का कमरा है, है ना यहाँ लकड़ियाँ रखी जाती हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक मोटर रखी हुई है जिससे लकड़ी काटी जाती है तो जो भी महाशय पहले रहते थे वो लकड़ी काट करके यहाँ पे और अपना हीटिंग चलाते थे इसके अलावा ये जो जगह है ये चिकन वगैरह रखने के लिए मुर्गियों को रखने की जगह है ये देखिए और और आगे जाएंगे तो ये जो रास्ता है वो सीधे झील की तरफ खुलता है हम आगे जा रहे हैं ये देखिए और ये जो रास्ता है ये जा रहा है झील की तरफ में और ये पूरा गांव जो है यहाँ से सीधे हम वाटर बॉडी की तरफ चले जाते हैं और ये मकान है उस तरफ रोड है और ये देखिए ये पूरा उनका गांव है बस ये है कि ठंड के मौसम में लोग गांव में बाहर घूमते हुए नहीं दिख रहे हैं लेकिन ये गांव और आगे तक दूर दूर तक ये गांव बना हुआ है ये झील है और ये ब्रिज है और ब्रिज के उस पार से आप देख सकते हैं पूरा गांव है तो दोस्तों ये हमने दिखाने की कोशिश की कि जो गांव का जो मकान होता है एक सामान्य जो सबसे बेसिक बजट का होता है वो कैसा होता है और यहाँ से नियरेस्ट जो टाउन है वो करीब पंद्रह बीस मिनट की दूरी की ड्राइव पे है तो वो जिले का जो मुख्यालय है ना इस तरफ का तो ये छोटी सी गांव की गांव का आइडिया था वो मैं आपको बताना चाहता था तो आप ये देखें और ये प्रॉपर्टी जो है वो राणा साहब की है तो ये एग्ज़ाम्पल आप सभी को देखने को मिला है कि गाँव का मकान कैसा होता है तो इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं तब तक के लिए दस विदानियाँ